हेलो एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। पिछले वीडियो में मैंने इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट समझाया था और आज हम इसके फीचर्स को समझेंगे। अब हम सबसे पहले तो ये समझें कि करैक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। इसका मतलब होता है वो बातें, वो पॉइंट्स, वो खूबियाँ जो पर्टिकुलरली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी पहचान होती हैं। और जब हम मिनिएचर स्कूल के फीचर्स पढ़ रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स कॉमन भी हो सकते हैं और कुछ स्पेशल भी। कॉमन वो जो सब स्कूल्स में हैं और स्पेशल वो जो पर्टिकुलरली राजस्थानी को बिलोंग करते हैं या जिससे ये स्कूल बाकी स्कूल से अलग दिखता हो। आज मैं आपको इस स्कूल के करीबन 17-18 फीचर्स समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी मिनिएचर्स। पहला फीचर है लाइन। अब लाइन तो हर पेंटिंग का बेस होता है, ये तो मानते हैं ना आप। तो हम भी फीचर्स को समझने की शुरुआत लाइन से ही करेंगे। राजस्थानी स्कूल जो था वो वेस्टर्न इंडियन या सेंट्रल इंडियन स्कूल से पनपा था, इसलिए शुरुआती दौर में इसकी लाइन बोल्ड थी। बट ग्रेजुअली, कहें धीरे धीरे, ये रेखाएं सॉफ्ट, रिदमिक और फ्लुएंट होती चली गई। बहुत ग्रेसफुल लाइन्स लगी हैं। अब हम थीम्स को माइंड में रखें तो उससे आप तीन करैक्टरिस्टिक्स बना सकते हो, क्योंकि जब हम विषयों की बात करते हैं तो तीन विषय प्रमुख रूप से सामने आते हैं। रिलीजियस पेंटिंग्स, मतलब धार्मिक चित्रण। भक्ति स्कूल का सेंट्रल थीम था और इसीलिए रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, कृष्ण राधा, दुर्गा महात्म्य और शिव पुराण पर बहुत चित्रण हुआ है। फिर हम समझें हिस्टोरिकल थीम्स, ऐतिहासिक चित्रण, मतलब राजा महाराजाओं के उनके जीवन संबंधी चित्र, उनकी डेली एक्टिविटीज़ बनाई गई, जैसा कि दरबार के सीन हो, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हो, हंटिंग सीन्स हो, शिकार करते हुए, वॉर्स एंड विक्ट्रीज हुई, डांस एंड म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस हुई, रानियों के पोर्ट्रेट्स, देन रिचुअल्स, त्यौहार, पिकनिक्स, वेडिंग्स, प्रोसेशन, सब बनाया गया। तीसरा प्रमुख विषय था लिटरेरी थीम, इसका मतलब साहित्य पर बनाई गई कृतियाँ, और इन अदर वर्ड्स वो पेंटिंग जो लिटरेचर पर बेस्ड हो। इसमें रोमांटिक पोएट्री, डिवोशनल पोएट्री और इंडियन म्यूजिक पर इंडियन एपिक्स इसमें आते हैं, जिसके मेन थीम्स रहे गीत गोविंदा, रसमंजरी, रसिक प्रिया, रागमाला, मतलब रागों की माला, म्यूजिकल नोट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, नायक नायिका भेद को बार बार बनाया गया। सो ये बना है लिटरेरी थीम्स के अंडर। अब तक हमने पढ़ा लाइन एंड थीम्स। अब नेक्स्ट हम एक और पॉइंट को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जिसके बिना ये सब्जेक्ट्स या ये पेंटिंग्स अधूरी हैं, वो है रंग। कलर स्कीम, रंगों की बात करें तो बहुत प्रोमिनेंट और जीवंत, मींस लाइवली कलर्स लगे हैं। ब्राइट एंड ग्लोइंग प्योर ह्यूज लगाई गई हैं, जैसे लाल, हरा, पीला, इसके साथ साथ ब्लैक एंड वाइट भी लगा है, और साथ ही गोल्ड एंड सिल्वर को भी बड़ा आर्टिस्टिकली लगाया गया है, जिससे सिल्वर लाइटनिंग दिखाई गई बादलों के बीच में, गोल्ड कलर्स को आभूषण में, कपड़ों में या सुनहरी आसमान में दिखाया गया। और इन रंगों को सीन की डिमांड के हिसाब से लगाया गया है। रंगों के बाद अब हम बात करें फॉर्म्स की, ह्यूमन फिगर्स। जैसे कि आपने देखा है, अब इसमें मेल एंड फीमेल दोनों बनाए गए। जनरली ह्यूमन फॉर्म्स आइडेंटिकल हैं, सेम फीचर्स, सेम एक चश्मे, प्रोफाइल फेसेस, कहीं कहीं डेढ़ चश्मे, बॉडीज बनाने का सेम तरीका। और इसमें अगर हम महिला आकृतियों की बात करें तो बहुत ही चार्मिंग, सुंदर, कोमल चेहरे, हाई स्लोपिंग फोरहेड, लंबी बादामी आँखें, तीखी नाक और पतले होंठ। और इससे भी डीपली अगर इस स्कूल को समझें तो किशनगढ़ स्कूल की फीमेल फॉर्म्स सबसे सुंदर हैं। ये बाकी स्कूल के कंपैरेटिवली लंबी बनाई गई हैं, अलग ही पहचान रखती हैं, जिसकी प्राइम एग्जांपल है बनीठन, जिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया है। डिपिक्शन ऑफ मेल की बात करें तो मेन हैव रॉबस्ट बॉडी, येलोइश स्किन एंड हेयर रीचिंग टिल ईयर्स। हमारा अगला पॉइंट है सिम्बोलिज्म, जो भारतीय पेंटिंग्स की जान है, आत्मा है, प्रतीकवाद। इसका मतलब होता है भाव को, फील को, किसी भी इमोशन को दिखाने के लिए किसी सिंबल को यूज़ करना,
जैसे नेचुरल एलिमेंट हो, कोई बर्ड हो, कोई एनिमल हो, एनिमल का ही सहारा लेके या बर्ड्स का सहारा लेके उसके द्वारा दिखाया जाना, कि हम देखते ही समझ जाएं कि क्या दिखाने की कोशिश की गई है। सो यहाँ जहाँ एक तरफ कृष्ण राधा को आत्मा और परमात्मा के रूप में, वहाँ दूसरी ओर कृष्ण और गोपियों का आध्यात्मिक डिवोशनल लव, तीसरा रागमाला और नायक नायिका भेद तो सिंबलिज्म की बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। आप देखें इन कलाकारों ने म्यूजिकल नोट्स को एक आकार दिया है, एक शक्ल दी है, और इन्वायरमेंट भी उसी हिसाब से दिखाते थे। अब आते हैं फॉर्म्स की कॉस्ट्यूम्स पर। अब इसका जो पॉइंट बनेगा वो है गारमेंट्स, इनका पहनावा क्या था। सो गारमेंट्स आर हाईली डेकोरेटिव। फीमेल्स को लहंगा चोली ट्रांसपेरेंट चुन्नी में दिखाया है, और मेल्स को अंगरखा पजामा और राजपूत स्टाइल पटका पहने दिखाया गया है। कपड़ों में कहीं कहीं स्ट्राइप्स हैं, कहीं एम्ब्रॉयडरीज हैं, कहीं फ्लोरल प्रिंट्स, सब दिखाया गया है। फिर आता है ऑर्नामेंटेशन, मतलब ज्वेलरी। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड कलर इज मार्वलस। हर तरह की ज्वेलरी बनी है, चाहे वो इयररिंग्स हों, बैंगल्स हों, आमलेट्स हों, नेकलेसेस हों, और भी बहुत कुछ। सो सबसे बड़ी बात है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको बनाया गया, जैसे कि राजा रानियों या प्रिंसेसेस की ज्वेलरी अलग, मेड्स और दरबारी गणों की अलग, इवन एनिमल्स की एक्सेसरीज को भी बहुत ही बड़ी सुंदरता से दिखाया गया है। नेक्स्ट इज द डिपिक्शन ऑफ नेचर, प्राकृतिक चित्रण। बड़े सुंदर एंड आइडियल लैंडस्केप्स बनाए गए, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, फूल, पहाड़, जंगल, वाटर बॉडीज, लेक्स, सब बनाया गया है, और इन सब से आर्टिस्ट की कीन ऑब्जर्वेशन का पता चलता है। इंडिविजुअली अगर आप ऑब्जर्व करोगे, परसीव करोगे, तभी आप बना पाओगे ना। तो उन्होंने नेचर को बहुत अच्छे से देखा, समझा और बनाया, एस्थेटिकली भी और सिंबॉलिकली भी। नेक्स्ट आते हैं हम डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। हिरन, घोड़े, कैमल, स्वैंस, काउस, एलिफेंट्स को भी बहुत बढ़िया से बनाया गया है। द ड्राइंग ऑफ एलिफेंट्स पर्टिकुलरली अनसरपास्ड इन बोथ बूंदी एंड कोटा स्कूल्स। इन पशु पक्षियों को भी सिंबॉलिकली बनाया गया है, और इनको रागमाला या बारामासा पेंटिंग्स में बहुत ही सुंदर तरीके से डिपिक्ट किया गया है, जैसे कौवे का बना होना प्रेमी के आने का संकेत, मोर का बारिश से, सांप का मुश्किलों से। सो इस तरह से साथ साथ उसका डिपिक्शन किया गया है। देन स्टाइलाइजेशन, पेड़ों को ऑर्नामेंटल बनाया है, मतलब हर पेड़ को अलग अलग स्टाइल देने की कोशिश की गई है। अगर किसी पेंटिंग में चार पांच पेड़ बने हैं तो उनके पत्तों को अलग अलग तरह से डिज़ाइनिंग दी गई है, और उससे बहुत ही खूबसूरत बन के ये निकले हैं। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल लव। जैसा मैंने पहले भी बोला कि भक्ति थीम इस स्कूल की जान है, स्पिरिचुअल यूनियन को इन पेंटिंग्स में बनाया गया, चाहे वो गोपियों का कृष्ण के लिए भक्ति हो या फिर राधा कृष्ण का आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। अगला है सीजन पेंटिंग्स। लैंडस्केप डिपिक्शन एक क्लासिकल फीचर है इस स्कूल का। बारामासा के ऊपर बहुत पेंटिंग्स बनी हैं, मतलब 12 महीनों पर, ऋतुओं पर, जिस तरह का सीज़न दिखाना होता था उसी तरह का एनवायरनमेंट बनाते थे, और उसी के हिसाब से इसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी दिखाए जाते थे, जैसे बारिश में मोर, बसंत का फ्लोरा एंड फौना अलग से, एंड सो ऑन। अगला है मुगल इन्फ्लुएंस। मेवाड़ को छोड़ के बाकी सभी स्कूल्स पर मुगल पेंटिंग्स का प्रभाव दिखता है, जो हमें बैटल सीन्स में, हंटिंग सीन्स में दिखता है। क्राउडेड सीन्स, बहुत सी पेंटिंग्स में फिगर्स को ग्रुप में या लार्ज नंबर में दिखाया है, या फिर एक ही पेंटिंग में अलग अलग एपिसोड्स दिखाए गए हैं, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक पेंटिंग है भरत मीट्स रामायण चित्रकूट, उसमें भी 49 फिगर्स दिखाई गई हैं। अगला है नाइट सीन्स।
नाइट सीन्स को भी बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है। नाइट स्काई को स्मोक ग्रे कलर में, चांद को तारों को, चांदनी को, सबको बहुत खूबसूरती से दिखाया है। एक बड़ा ही मनमोहक सा कंट्रास्ट दिखता है, वाइट येलोइश गोल्डन कलर ऑफ द मून एंड स्टार्स और आगे कलरफुल फिगर्स, देन फ्लैट बैकग्राउंड्स। कुछ पेंटिंग्स में फ्लैट बैकग्राउंड्स बनाई गई हैं, फिर भी वो इनकम्प्लीट या किसी कमी का आभास नहीं देती, जैसे कि राजा अनिरुद्धा सिंह हारा और चौगन प्लेयर्स। अब हमारा लास्ट पॉइंट है लार्ज पेंटिंग्स। किशनगढ़ स्कूल में बाकी सब स्कूल्स के कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई हैं। इनको पिचवई पेंटिंग बोला जाता है। पिचवई वर्ड का मतलब होता है बैक कर्टन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी मिनिएचर्स। मैंने इसमें वो सब पॉइंट्स डिस्कस करे हैं जिसपे लेटेस्ट पेपर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी इनकेस इफ़ यू फील कि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिवर्ट यू बैक। मिलते हैं जल्द ही अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।